चरमरा गई हैं, लोग परेशान हैं। एंड कोविड-19 से जहां पूरा विश्व और हिंदुस्तान तराईमान है, वहीं जो दिल्ली की परिस्थितियां और बहुत गंभीर हैं। यदि हम कल तक के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली तकरीबन 30,000 मरीजों के आंकड़े को टच कर चुकी है, यानी 29,943 मरीज सरकार के आंकड़ों के अनुसार, ये मैं फिगर आपको शेयर कर रहा हूँ, और जिसमें तकरीबन 874 मौत चुकी हैं। और एक ही दिन में, मुझे लगता है कल जो आंकड़े हैं सरकार के, उसमें 62 मौतें एक दिन में हुई हैं, जो अब तक की सबसे ज़्यादा फिगर है। और ये संख्या निरंतर पिछले 10 दिनों से बढ़ रही है। और आप देखेंगे जिस तरह से आंकड़े 30,000 को टच कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जिस तरह की एक्सपर्ट्स की राय है, ये जून के अंत तक आते आते और बहुत गंभीर हो जाएगी। लेकिन आज की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर बहुत बुरी परिस्थितियां हैं। हम लोग निरंतर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही लगातार विजिट कर रहे हैं फील्ड में। पहले दिन से आदरणीय सोनिया जी के आदेश पर, आदरणीय राहुल जी, जिस तरह से प्रियंका जी ने माइग्रेंट्स को लेकर के आवाज़ उठाई, मैं समझता हूँ आप सभी ही हमारी ताकत थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। और उस अपील पे जुड़ते हुए हर उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी निरंतर कर रही है। उसी के तहत एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ अपील के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको याद होगा कि राहुल जी ने एक कैंपेन पूरे देश के अंदर चलाया था, स्पीक अप इंडिया, और उसका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में व्याप्त जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हम आवाज़ बने, उनकी आवाज़ उठाएं, उनके दर्द को साझा करें। और वहीं से मेरे मन में ये विचार आया, इस जहन में ये बात आई कि क्यों ना हम दिल्ली के जो इस तरह की बातें हैं, जो दिल्ली के जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली की परेशानी है, जो आज शायद सोई हुई सरकारें नहीं सुन रही हैं, जो सरकारों की जिम्मेवारी बनती थी, मैं समझता हूँ खासतौर से दिल्ली की बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो कि स्वयं दिल्ली से सांसद हैं, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या इन लोगों को उन मरीजों की जो स्थिति है, जो मनोदशा है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हॉस्पिटल्स के अंदर व्याप्त अनेकों अनेक समस्याएं हैं, खास तौर से बेड्स की शिकायत इतनी गंभीर रूप ले चुकी है कि लोग बाहर हॉस्पिटल्स के दम तोड़ रहे हैं। एक बेटी अपने पिता को लेकर के LNGP हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करती है, अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। आपसे, हमसे और दूसरे लोगों से, सरकार के नुमाइंदों से वे ट्वीट के माध्यम से अपील करती है कि उनकी मदद की जाए। मदद तो छोड़िए, उनको एक रिप्लाई तक नहीं आता है और उनके पिता का देहांत हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्होंने दिल्ली को शर्मसार किया है, लेकिन इन घटनाओं ने इन सरकार को आईना दिखाने का भी काम किया है। एक और घटना जिक्र करता हूं, जिसमें सोफिया, एक लड़की, अपने ससुर को लेकर के अपोलो जाती है, उनके ससुर की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई जाती है, उसके बाद उसको बेड देने के मना कर दिया जाता है, और अपने फादर इन लॉ को लेकर वो कई अस्पताल में हाथ जोड़ती है, गुजारिश करती है कि उसको दाखिला दे दिया जाए, दाखिला नहीं मिलता है। फिर ओखला के एक छोटे से नर्सिंग होम में जाके अनुरोध करती है, और उसको वहां पर यदि कोई मदद मिलती है तो सिर्फ इतनी कि वो एम्बुलेंस के अंदर बैठ के पिता को ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो ऑक्सीजन दे पाए, और अंत में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जिसमें कहीं बेटा अपने माता पिता के लिए रोता हुआ, गिड़गिड़ाते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सरकार से गुहार कर रहा है कि मेरे फादर या मदर को इलाज दे दीजिए या टेस्ट करा दीजिए। भूल नहीं सकते GTB हॉस्पिटल में अग्रवाल फैमिली की वो दर्द भरी दास्तां, जिसमें घंटों वो अपने पिता को स्ट्रेचर पर लेकर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है, अनुरोध करता है, वहां पे भी सरकार की नींद नहीं टूटती। दिल्ली के अंदर ये ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आज हमें लगा स्पीक अप इंडिया के तहत जिस तरह से हमने हिंदुस्तान की आवाज को गति दी थी, उनकी दिक्कतों को हमने जनता के सामने, सरकार के सामने रखा था, वैसे ही आज हम लोग स्पीक अप दिल्ली के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों की दिक्कतों को उजागर करें, कम से कम सरकार जागे, उनकी आवाज हम बने, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को हम इस सरकार के सामने रख सकें।
ये सही बात है, इस संक्रमण के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा, लेकिन जिस तरह का रवैया सरकार अपना के बैठी हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने कई बार प्रयास किए, कई बार हमने उनको लिखित रूप में चिट्ठियां भेजी हैं, अपने सुझाव भेजे हैं, लेकिन अफसोस अभी तक हमें ना उन चिट्ठियों का कोई जवाब आया, ना कोई हमें समय देने की कोई उन्होंने चेष्टा की। हाँ, आज यानी कि 9 तारीख को जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज पहली बैठक, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटी होती है, आज तकरीबन 2 महीने बाद जाकर के सरकार की नींद टूटी है कि भाई तमाम उन विपक्षी दलों के साथ बैठक की जाए, उनसे सुझाव लिए जाएं। मैं उस बैठक में भी शामिल होऊंगा, वहां पे भी स्पीकअप के तहत अपनी बात रखूंगा, लोगों की जनता की आवाज़ को आवाज़ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन वक्त है अब आप लोगों से भी अनुरोध करने का, आप आइए इस मुहिम में जुड़िए। आपके आसपास जो इस तरह की परेशानियां हैं, खासतौर से बैट्स को लेकर लोग दिक्कत में हैं, टेस्ट जिस तरह से रोक दिए गए हैं, पूरा विश्व मान रहा है कि टेस्ट किए जाएंगे, उनकी पेशेंट्स को यदि ट्रैक किया जाएगा तभी उनका इलाज हो सकता है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिसके तहत आप टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, ना तो सरकारी अस्पताल ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। शिकंजा इतना कस दिया है, जहां पे समय की मांग के अनुसार आपको टेस्ट बढ़ानी चाहिए, यानी कि लैब्स की आपको संख्या बढ़ानी चाहिए, आपने लैब्स की संख्या घटा दी है। आपको जहां हॉस्पिटल्स का कोरोना योद्धाओं का आपको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसके विपरीत आप हॉस्पिटल्स पे FIR कर रहे हैं। इस आपदा में तो सरकारें इमरजेंसी व्यवस्थाएं करती हैं, दूसरे देशों के अनेकों उदाहरण हैं, जहां पर इस इमरजेंसी के तहत इस आपदा में टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेम्परेरी चीजें, इस बीमारी संक्रमण के खिलाफ व्यवस्थित कर रहे हैं, वहीं पे सरकारें जो थोड़ा बहुत हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी घटाने का काम कर रहे हैं। तो प्रश्न तो पूछना लाजमी है, ये मेरा दायित्व बनता है बींग ए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर कि सरकार से सवाल करूं, ये इनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप दिल्ली में रहने वाला कोई भी प्राणी यदि उसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जीवन मृत्यु सच है, लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उनको बेहतर माहौल प्रदान करें, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करें। लेकिन जिस तरह से देखने में आ रहा है, दोनों सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरह से नूरा कुश्ती लड़ते दिखाई दे रहे हैं, अफसोस होता है, दर्द होता है जब एक पीड़ित व्यक्ति की मदद के बजाय आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इस महामारी, इस आपदा के बीच में आप विषय को भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको लोगों का दर्द दिखाई देता है, कैसे बेटियां अपने माता पिता को लेकर हॉस्पिटल्स की लाइन में लगी हुई हैं। कल मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो खिचड़ीपुर में है, जो पटपुर विधानसभा का एरिया है, वहाँ गया। वहाँ पे एक बेटी, त्रिलोकपुरी की बेटी, अपने पिता और अपने भाई को लेकर के स्कूटी पे आती है और वो दर्द साझा करती है कि हम यहाँ टेस्ट कराने आए थे, पर अफसोस टेस्ट की वजह हमें वहाँ 2 गोलियाँ दे दी गई, एक से दे दिया गया कि आप ये लीजिए और घर रहिए। उसने मुझे जानकारी दी कि वो तो पिछले 15 दिनों से दवाइयाँ ले रही है, हम तो ये टेस्ट कराने आए थे, पिताजी की सांस उखड़ रही है, यंग बच्चा है उसका जो भाई है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा ना सुनने के लिए तैयार है, ना मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे अनेकों वीडियोस हैं, और इस आपदा, इस संक्रमण से ग्रसित लोग तो हैं ही हैं, बाकी जो दूसरी फैकल्टीज भी थी, जो दूसरी सर्जरी हैं, दूसरे ट्रीटमेंट हैं, जैसे एम्स की बच्ची की हम एक कहानी देख रहे थे जिसमें उस बच्ची की पूरी एक आँख खराब हो चुकी है, उसकी सर्जरी हो पाई, ऐसी और कई वीडियोज हैं जो मन को विचलित कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। इसी के तहत हम लोग स्पीकअप दिल्ली के नाम से एक अभियान छेड़ रहे हैं, जिसका मकसद सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाना है, जिसका मकसद लोगों की परेशानियों को उजागर करके उनको मदद पहुंचाना है, जिसका मकसद उनकी आवाज को आवाज प्रदान करना है, जिसका मकसद उनकी मदद का हाथ बढ़ाना है। स्पीकअप दिल्ली के तहत
हमारा यदि कोई जरा रत्ती भर भी योगदान उनके कहीं मदद के रूप में स्वीकार होता है तो मैं समझता हूँ हम बहुत बड़ा करेंगे। तो यही इसी अपील के साथ राहुल जी सोनिया जी का जो दिशा निर्देश हमें प्रथम दिन से मिला है, उनका मार्गदर्शन, उनका एक एक कथन, उनका एक एक शब्द हमारा हौसला अफजाई करता है इस संक्रमण के खिलाफ लड़ने का। मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता और उन साथी स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, वॉलंटियर्स जो अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा में लगे हुए हैं, वहीं पर जो सरकार का रवैया है वो दुखदायक है। शुरुआत में जिन सैनिक काम सरकारें कर रही थी, अफसोस उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया जो आपको शेयर करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना दर्द मुझसे साझा किया था और जिसमें बहुत विस्तार से उन्होंने बातें की थी, कुछ सुझाव भी दिए सरकार को, जिसमें कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स के इलाज को लेकर के उन्होंने सजेशन दिए। पर अफसोस उनका कहना है कि सरकार का रवैया कुछ पॉजिटिव उनके साथ नहीं रहा। तो सरकार आखिर सुन किसकी रही है, ये प्रश्न भी उठता है। अरविंद केजरीवाल जी को सुना है, फीवर है, हम दुआ करते हैं, संक्रमित रोग से फीवर आना भी किसी के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जी जल्द स्वस्थ हों, तुरंत यहां पे लौटे। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए जिस तरह सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, ये प्रश्न उठता है कि आप उन्हें होम क्वारंटाइन की बात कह रहे हैं, जिस दिल्ली के अंदर 50-60% ज्यादा की आबादी केवल सिंगल एक कमरे में रहती है, वो कैसे होम क्वारंटाइन कर सकते हैं? बाकी परिवारों का क्या होगा? बच्चों की जान जोखिम में डलवा रहे हैं, माता पिता हैं, वैसे ही स्लम में रहने वाले लोग किस तरह से होम क्वारंटाइन का पालन कर सकते हैं, जहां एक स्लम में एक एक 8x10 की झुग्गी में जो अपना परिवार के साथ रहता है। और ये जो संक्रमण है साथियों, अब ये कहीं किसी एरिया से बाहर नहीं है, ये हर जगह पहुंच चुका हो, चाहे वो गांव हो, कॉलोनी हो, मोहल्ले हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, अर्बन एरिया हो, स्लम हो, ये कहीं से अछूता नहीं। तो आखिर सरकार की तैयारियां क्या हैं, इस तरह के प्रश्न हैं। केजरीवाल साहब कहते थे कि 30,000 बेड्स की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है, तो आज ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसमें वो कहते थे कि 30,000 बेड्स हमने तैयार की हैं, प्रतिदिन 1,000 पेशेंट भी यदि दिल्ली में आएंगे तो हम उनको संभाल सकते हैं। लेकिन सच के विपरीत है जो हम देख रहे हैं। आज वो पूरी तरह से दिल्ली वालों को अपने भरोसे छोड़ चुके हैं, कह चुके हैं कि आपको इस संक्रमण के साथ जीना है, यानी कि सरकार ने पूरी तरह से हार मान ली। लेकिन दिल्ली को यूं मरते हुए हम नहीं देख सकते, दिल्ली के लोगों को ऐसे तड़पते हुए हम नहीं देख सकते। आप अपनी जिम्मेवारी से केजरीवाल साहब आप नहीं भाग सकते, आपको ठोस रणनीति के तहत